गाइस, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीजी में जो रेगुलर और वोकेशनल है उसके दोनों कोर्स के लिए स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 21/8/2023 तक रखा गया है। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताएंगे कैसे स्पॉट एडमिशन लेना है और कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी इसमें मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अगर चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो जानते हैं इस वीडियो के लिए सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको ये जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का रेगुलर वोकेशनल कोर्स के लिए। यहाँ पे MBA का इसके अंतर्गत नहीं होगा स्पॉट एडमिशन, उसका अलग होगा कैटेगरी। इसका 23 से 25 सेशन है और उसका जो है 20/8/2023 से 21/8/2023 तक रखा गया है। और सबसे अच्छी बात ये है इस में स्पॉट एडमिशन में, जो भी स्टूडेंट नहीं भर पाया था फॉर्म उस टाइम, तो वो भी स्टूडेंट अभी जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके और जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपको एक लास्ट में ब्लैंक मिलेगा ऑफर लेटर, और वो प्रिंट करा के उसके बाद आपको क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस कर लेना होगा। उसके बाद आपको जाके कॉलेज में जमा कर देना है, कॉलेज में वो ऑफर लेटर जो मिलेगा डाउनलोड करके जमा कर देना है। उसका भी लास्ट डेट आपको 21/8/2023 तक ही रखा गया है। और जमा करने के बाद आप 2-3 कॉलेज में दे सकते हैं, जिसके वजह से आप जिसमें आपको मिलेगा सीट होगा खाली उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट से। तो आपको जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा वो मैंने दूसरे वीडियो में बना दिया है, फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वो आपको उसमें लिंक मिल जाएगा उसका फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा पीजी में स्पॉट वाला, उसका सारा प्रोसेस आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बता दिया कैसे करना है स्पॉट एडमिशन। अगर आपको और भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, कोई क्यूरियस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और कोई भी रिलेटेड AN कॉलेज हो, PD कॉलेज हो, JDB मेंस कॉलेज या कोई भी PPU से रिलेटेड हो, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग जाएं जल्दी से और इसमें एडमिशन ले लें, जो भी नहीं कर पाया था। दोनों कोर्स के लिए हैं, रेगुलर के लिए भी हैं, वोकेशनल के लिए हैं। रेगुलर और ट्रेडिशनल क्या होता है, जिसमें कि सिंपल हो गया MA, MSc, MCOM, ये सब ट्रेडिशनल में आएगा। और वोकेशनल में हो जाएगा जैसे कि आपका जो होगा BCS जैसे होता है, तो MCA हो जाएगा। उसी तरह से आपका और भी रिलेटेड कोर्स जो होता है, जैसे वोकेशनल MSCIT हो गया, ये सब कोर्सेज आता है। मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है दूसरे वीडियो में, तो उसमें जाके आप लोग देखें कैसे मैंने किया है और उसमें भरे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।